ये देखें यार, झोंक दर झोंक कैसे लोग एंटर हो रहे हैं, जिग जैग करते हुए हमने भी इसमें एंटर होना है। और यार बिल्कुल ऐसे लगता है कि जेन्युइन आर्मी करी है और एकदम बस हमले की आवाज़ आनी है, अटैक की, और इन्होंने किसी भी आर्मी के ऊपर आगे अटैक कर देना है। ये है ऑक्टोपस की लेग्स। यार ये टांग खाता हूँ। ऑक्टोपस की टांग है। We love Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड वेलकम बैक टू माई चैनल बींग अ ट्रैवलर। और बींग अ ट्रैवलर इस वक्त पहुँच चुका है नाजरीन एंशियंट कैपिटल ऑफ चाइना, जिसको कहते हैं शियान। शियान सिटी के अंदर मैं हूँ और किसी ज़माने में पुराने दौर के अंदर शियान वाज़ कैपिटल ऑफ चाइना। आजकल तो आपको पता कि बीजिंग बन चुका है, लेकिन बीजिंग से पहले जो कैपिटल हुआ करता था शियान हुआ करता था। शियान सिटी की जो मेजर फेमस होने की वजह यही है कि बेसिकली जो चाइना का फेमस सिल्क रूट हुआ करता था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ करता था। बिकॉज दिस वाज द कैपिटल ऑफ चाइना, यहाँ से शियान सिटी से बेसिकली सिल्क रूट स्टार्ट होता था और फिर ये जो सिंकियांग सूबा था उस तरफ निकलता था, जो आपने मेरी पिछले एपिसोड में देखा, और वहाँ से फिर ये यूरोप की तरफ निकलता था, सेंट्रल एशिया की तरफ निकलता था, और जितनी भी ट्रेड हुआ करती थी वो यहाँ से हुआ करती थी। क्यों इसको कहा जाता था सिल्क रूट? क्योंकि चाइना वाज़ एक्चुअली द हब ऑफ रेशम का कपड़ा। जो भी सिल्क हुआ करता था वो यहाँ से पूरी दुनिया को जाया करता था और यहीं पे बना करता था, जिसकी वजह से यहाँ से ट्रेडिंग होकर जाया करती थी दूसरे मुल्कों के अंदर, अप टू यूरोप, इटली, सर्बिया वगैरह, और फिर वहाँ से लोग आया करते थे यहाँ पर। तो ये 200 BC, यानी आप यूँ समझ लें आज से तकरीबन 2500 साल पहले ये सिल्क रूट यहाँ पे स्टार्ट हुआ। और इसकी जो इसने पीक पे अपने गया वो तब गया जब मुस्लिम्स अरब्स जो थे वो उन्होंने ट्रेडिंग यहाँ पे शुरू की, और 7वीं सदी के अंदर 700 AD के अंदर फिर मुस्लिम्स वगैरह यहाँ पे आना स्टार्ट हुए, और फिर शियान में आके यहाँ पे सिंकियांग में तो काफ़ी मुस्लिम्स आ गए थे तब, बनू उमैया के दौर के अंदर भी और बनू अब्बास के दौर में, और अल्टीमेटली शियान के अंदर यहाँ पे आके भी मुस्लिम्स आबाद हो गए, और इस शहर में, इस सूबे के अंदर भी काफ़ी बड़ी तादाद है मुसलमानों की भी। तो सिल्क रूट अल्टीमेटली यहाँ से जो निकलता है वो तकरीबन 6400 किलोमीटर लंबा है सिल्क रूट, और जो तकरीबन और इसके तकरीबन कोई 7-8 रूट्स हैं, एक फिक्स रूट नहीं है, और वो निकलता है शियान से, और शियान से फिर शिंकियांग, और शिंकियांग से निकलता हुआ ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इटली, ग्रीस और टर्की से ऊपर होता हुआ फिर अल्टीमेटली इटली और जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं सारे यूरोप के, वहाँ पे जाके पहुँच जाता है। तो आज हम लोग शियान सिटी के अंदर, एक बहुत ही फेमस इनकी जगह है चाइना के अंदर, अगर वॉल ऑफ चाइना के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे एंशियंट चीज़ फेमस है तो वो है ये टेराकोटा म्यूज़ियम, और जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट तकरीबन आप यूँ समझ लें कि आधा पौना घंटे यहाँ से दूर है। हम लोग अब मेट्रो ट्रेन के अंदर बैठेंगे और यहाँ से ट्रेन में बैठकर डिफरेंट ट्रेन और बसेस को बदलते हुए हम जाएंगे टेराकोटा म्यूज़ियम देखने, और साथ साथ मैं आपको उसकी हिस्ट्री दिखाता जाऊँगा। ओके जी, तो हम इस स्टेशन पे यहाँ पे उतर गए हैं। हमने अब यहाँ से चढ़ के हम ऊपर आए हैं ट्रेन से निकल के, और ए के ऊपर यहाँ पे बता रहा है कि आपको डिफरेंट बसेस मिल जाएंगी। तो 617 हमने अब बस लेनी है यार, 603 तो नहीं है। यहाँ से हम लोग निकलते हैं, तो ये आ गए हम लोग बाहर। यार ये देखें, इधर हर स्कूटी के ऊपर ना इन लोगों ने ये कपड़ा सा एक लगाया होता है, इसके अंदर अपने ये बाजू डालते हैं और चलाते हैं ताकि फ्रंट से हवा ना पड़े। साफ़ सुथरी सड़कें यार, यूरोप ही लगता है मुझे तो बिल्कुल। निहाओ, टेराकोटा म्यूजियम। और जी, तो बस वाले ने हमें उतार दिया यहाँ पर, और कोई रोड क्रॉस करके जाना है। ये दो चीने पीने जा रहे हैं हमारे आगे, इन लोगों ने कहा कि ये लोग भी जा रहे हैं, तो बस वाले ने कहा यार आप इनको भी लेते जाओ। बहुत दूर शहर से ऑलमोस्ट कोई 60-70 किलोमीटर हम बाहर आए हैं। दो ट्रेन ली हैं, वो भी तकरीबन आधे आधे पौने घंटे की, लास्ट स्टॉप, और फिर ये बस पकड़ी है, इसका भी ये लास्ट स्टॉप था। तो हम लोग पहुँचे हैं ऑलमोस्ट 12:30 बजे, और देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग विज़िट करके वापस जा रहे हैं।
बसें रश ही रश है यार, ऐसा लगा जैसे बंद हो गया। तो ये देखें जी, ये वो बादशाह है, एम्परर। अच्छा जी, ये भी इन्फॉर्मेशन पता करने के बाद यहाँ पे ये पता चला है कि 120 युआन पर पर्सन इज़ द टिकट। और अगर आपको एक गाइड चाहिए, ये आप देखें ज़रा, जगह जगह पे सारी ये अम्ब्रेला के साथ सारी फीमेल गाइड्स नज़र आ रही हैं। ये 150 युआन पर पर्सन आपको एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं गाइडेंस का। तो हमें क्योंकि हिस्ट्री इसकी पता है, हम पढ़ के आए हुए, अब्दुलरहमान के पास तो ऑलरेडी इसके सारे स्टैचूज़ वगैरह फ्रेम हुए घर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो हम अब ये कर रहे हैं कि इसकी टिकट बाय करेंगे। और ये देखें यार, झोंक दर झोंक कैसे लोग एंटर हो रहे हैं, zigzag करते हुए हमने भी इसमें एंटर होना है। और वो सामने टिकट ऑफिस है। वॉल ऑफ चाइना तो अभी विज़िट नहीं की, इतना नहीं पता कि वहाँ पे कितना रश होगा, लेकिन यहाँ पे तो लग रहा है कि पूरे चाइना से ही यहाँ पे लोग आते हैं। ये देखें, zigzag करते हुए हमने पहले इधर जाना है, फिर इधर जाना है, ये करते हुए अल्टीमेटली टिकट ऑफिस से पहुँचना है। ये मुझे लगता है 1 किलोमीटर चलाएंगे ये ऐसे ही हमें। ये है जी अब फाइनली एंट्रेंस, टिकट हमने ले लिया है टेराकोटा का। 99.9999% सारे यहाँ पे लोकल टूरिस्ट चाइनीज़ ही हैं, और मेरा ख्याल है पूरे इस एरिया के अंदर एक हम ही फॉरनर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू शीशी। तो टिकट दिखाने के बाद यहाँ से सब लोग हो रहे हैं एंटर, और उसके बाद अब सब ग्रुप की शक्ल में लाखों की तादाद में, हज़ारों तो बंदा कह ही नहीं सकता ना, लाखों की तादाद के अंदर ही लोग अब जा रहे हैं टूवर्ड्स माउंटेंस। तो एंट्रेंस टिकट दिखाने के तकरीबन 1 किलोमीटर हम अंदर चल कर आए हैं, और अब ये हम उसकी मेन साइड के ऊपर पहुँचने लगे हैं जहाँ पर हैं टेराकोटा आर्मी। ये टेराकोटा आर्मी क्या है ये अब मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ अगर मुझे जगह मिल जाती है। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, और बड़ी मुश्किल से हमारी यहाँ पे बारी आने वाली है। ये देखिए मोबाइल हैं सारे, और ये ऊपर इसके बहुत बड़ी एक छत है, और नीचे अगर आप देखें तो ये चेक करें यार, ये है पूरी टेराकोटा आर्मी। ओ माय गॉड, ये अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी एक पिट है, जो कि 1974 के अंदर कुछ फार्मर्स थे इस इलाके के अंदर, और वो अपने यहाँ पे एक कुआं खोद रहे थे पानी के लिए। एक अचानक उनको नीचे से कुछ सर वगैरह मिले और ये कुछ मुजस्मे निकले, और फिर इन्होंने इसकी खुदाई शुरू की तो नीचे पूरी ये आर्मी निकली। ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें ये मिट्टी से बने हुए, जो कि टेराकोटा मिट्टी बेसिकली कहा जाता है जिस मिट्टी से ये बने हुए हैं, तो इसलिए इसको टेराकोटा आर्मी कहा जाता है। ये उस एम्परर ने ऑलमोस्ट 2500 साल पहले 200 BC के अंदर इसने ये वाली आर्मी अपने लिए बनाई। अब इसकी क्यों बनाई ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। फिलहाल अगर आप ये देखें, ये जो बनाई गई थी आर्मी, इसमें हर बंदा जो बना हुआ है इसकी डिफरेंट शेप्स हैं। हुक्म उसने ये दिया था कि आपने जितने भी ये बनाने हैं स्टैचूज, एक स्टैचू दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप इनके बालों के ऊपर देखेंगे, वो डिफरेंट उनके जो ओहदे थे आर्मी के, उसके बारे में ये बयान करते हैं। इधर इनके यहाँ पे कुछ घोड़े भी नज़र आ रहे हैं इस जगह के ऊपर, और किसी के बाल साइड के ऊपर हैं, किसी के बाल का पफ बना हुआ है। ये इनके डिफरेंट जो रैंक्स हैं आर्मी के अंदर, ये वो बता रहे हैं। तो ये जो चिन शी हुआंग एम्परर था, ये 13 साल की उम्र में बादशाह बन गया, और इसने एक्चुअल में आहिस्ता आहिस्ता शियान बेसिकली क्योंकि कैपिटल था, और इसने आहिस्ता आहिस्ता चाइना के ऊपर फतह हासिल करता गया, डिफरेंट शहरों डिफरेंट सूबों को फतह करता गया, और अल्टीमेटली उसका ये ख्वाब बन गया कि मैंने अब इमोर्टल होना है और मैं मरना नहीं चाहता, और जन्नत और दोजख का कोई कंसेप्ट नहीं था, और कहता मुझे पता ही नहीं है कि एक्चुअल में मरने के बाद होना क्या है। तो उसने ये कहा कि मैं जब मरूँगा तो मैं अपने मरने से पहले अपनी ज़मीन के नीचे ही अपनी एक पूरी आर्मी बनाना चाहता हूँ, क्या पता कि वहाँ पे भी मुझे कोई जंगें लड़नी पड़े और ज़मीन के नीचे जाके भी मुझे आर्मी की ज़रूरत पड़े। लिहाजा उसने अपने पूरे 7 लाख जो उसके मज़दूर थे उनको हुक्म दिया कि आपने अब एक आर्मी पूरी तैयार करनी है, जो कि आलमोस्ट ये 8000 फौजी हैं, जो इन्होंने अभी इसकी कैलकुलेशन की है, जिसमें से 2000 जो आर्मी है ये लोग उसकी कैलकुलेशन इसको निकाल चुके हैं, और बाकी 6000 अभी भी ज़मीन के अंदर कई दबे हुए हैं। और ये भी ये एक पिट है, ये जो आपको ये सारी नज़र आ रही है इसके ऊपर इन्होंने छत वगैरह बना के इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। एक्चुअल में ये अंडरग्राउंड निकली थी जहाँ पर ये हमें लेकर आए हैं। तो उसने ये पूरी की पूरी तकरीबन काफ़ी सालों के अंदर उसने ये ऑर्डर किया कि मुझे ये आर्मी चाहिए, ताकि मैं जब कब्र में चला जाऊँ और मुझे वहाँ पे अगर जंगें लड़नी पड़े तो मुझे वहाँ पे भी फतह हासिल होनी चाहिए। ये वो उसने अपनी उस ज़माने के अंदर ये अपनी सारी आर्मी बनाई, और ये सारी मिट्टी की आर्मी बनी हुई है ये आप देखें। दिस इज़ कॉल्ड टेराकोटा आर्मी, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
ये सारे बुद्ध खड़े हैं, एक ही शक्ल एक से नहीं मिलती। तो ये जो चैलेंज था कि यार एक शक्ल से दूसरी शक्ल नहीं मिलनी चाहिए, जो उसका ऑर्डर था वो इस तरह किया कि इन्होंने पूरे सांचे बना लिए टांगों के और हाथों के और पाँवों के और उसकी इवन बॉडी के, लेकिन जो शेप्स थी उन्होंने 8 तरह की शेप्स के सांचे बनाए। उसके बाद जो उनके पेंटर्स और आर्टिस्ट हुआ करते थे वो फिर उन चेहरों को डिफरेंट तरीकों से चेंज किया करते थे, किसी की आंखें, किसी के गाल और किसी का सब कुछ वो चेंज कर दिया करते थे। और जितने भी 8,000 ये आर्मी हैं, ये सारी आर्मी के अपने शेप्स जो हैं, ये सब की शक्लें एक से दूसरी शक्ल नहीं मिलती। ये उसका एक स्पेशल ख्वाहिश थी जो उन्होंने उसकी पूरी की। जो अब एक्चुअल में जो चिन शी हुआंग उनका एम्परर है, उसकी जो यहाँ से कबर है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। ये उसने अपनी कबर के चारों तरफ इस तरह की पिट्स बनवा कर, ये बड़ी बड़ी, और ये अपनी सारी फौजें खड़ी करती थी कि अगर मेरी कबर के ऊपर हमला होगा तो मेरी फौज जो है वो मुझे हिफाजत करेगी। और इस टेराकोटा आर्मी के अंदर आपको घोड़े भी नज़र आएंगे। और उसका खाली जो है वो ये प्लान नहीं था कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जंगे लड़ूंगा, वो पूरा प्लान उसका यही था कि पूरी एक प्रॉपर मेरी वहाँ पे ज़िंदगी होगी और मैं अपनी वहाँ पे भी सल्तनत जारी रखूँगा। उसने ना सिर्फ ये अपनी आर्मी तैयार की बल्कि आपको इसके अंदर नज़र आते हैं उनके आर्टिस्ट भी, म्यूजिशंस भी, उनके स्टैचू भी नज़र आते हैं, उनका कल्चर खाने वगैरह भी नज़र आते हैं। तो वो प्रॉपर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए गया हुआ है अगली दुनिया के अंदर, ये पूरी की पूरी क्रिएट करके। ये आप सिमेट्री चेक करें, हम आप साइड की तरफ से आए हैं, पहले हम ऊपर वहाँ पे खड़े थे और यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त सिमेट्री के अंदर पूरी फ़ौज उसने खड़ी की हुई है। यार आप उस ज़माने में ऑलमोस्ट 2200 साल 2300 साल पहले की बात है, बल्कि उससे भी ज़्यादा शायद, कि जब उसने ये पूरी आर्मी बनवाई और सिमेट्री आर्मी का वो जो इसमें ऑर्गेनाइज कितनी ज़बरदस्ती के स्टैचू की फॉर्म में भी जब उसने आर्मी खड़ी किया है। तो ये बेसिकली उसने जो अपना जहाँ पे अपनी कब्र का पॉइंट सेलेक्ट किया था उससे 1.5 किलोमीटर पीछे इसने यहाँ पे अपनी फौजियों को कहा कि यहाँ पे मेरा जो घर होगा बेसिकली फ्यूचर की कब्र, उसकी हिफाजत की जाएगी। तो ये वो सारी वो फौज है जो उसकी कब्र के ऊपर अगर कोई अटैक करे, जो उसका होने वाला घर है फ्यूचर में उसके ऊपर कोई अटैक करे, तो ये उन्होंने उसको बचाने के लिए ये आर्मी पूरी यहाँ पर खड़ी की थी, जो कि आप यूँ समझ लें डिफेंडिंग वाली पोजीशन के अंदर ये खड़े हुए हैं सारे। इनके हथियार हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, अगर देखें सबके हाथ ऐसे बने हुए हैं क्लोज़अप में, अगर आप देखें तो यहाँ पे इन सबके हाथों के जो हैं हथियार वगैरह नज़र नहीं आ रहे। और कुछ इस तरफ भी खड़े हैं जो दीवार की तरफ मुँह करके, और कुछ सामने खड़े हैं, और मेनली सबका मुँह जो है वो आगे की तरफ। यहाँ पे नोट करने वाली है जिनके बालों के ऊपर जुड़े बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर लिबास भी आपको फाइटिंग वाला नहीं नज़र आ रहा, ये उनके सबसे जो लोअर रैंक के सूबेदार हैं वो हैं। और जो ये आपको नज़र आ रहे हैं इनका प्रॉपर जो उन्होंने लिबास पहना हुआ है वो भी फाइटिंग वाला पहना हुआ है, और उनके बालों का स्टाइल और जो ऊपर कैप्स है वो भी डिफरेंट है। और यहीं से वो पहचाने जाते थे कि जो इन्होंने डिफरेंट जो शेप्स बनाई हुई हैं, हर एक की शक्लें एक दूसरे से नहीं मिलती, और 3 से 4 किस्म के जो उनके रैंक्स हैं वो आपको बालों के, उनकी टोपियों से, उनके कपड़ों से पता चलते हैं। ये वो सेक्शन है जहाँ जिसकी भी खुदाई नहीं हुई, और इसके नीचे आपको वो सारे जो सोल्जर्स खड़े हैं सामने यहाँ पर भी और वो वहाँ पर भी आपको नज़र आएंगे। बेसिकली जब जगह इन्होंने डिस्कवर की 1974 के अंदर, तो बेसिकली इस तरह की जगह मिली जब वो कुआं खोद रहे थे और नीचे से इनको बुत वगैरह कुछ मिले। यार बिल्कुल ऐसे लगता है कि जेन्युइन आर्मी करी है, और एकदम बस हमले की आवाज़ आनी है अटैक की, और इन्होंने किसी भी आर्मी के ऊपर आगे अटैक कर देना है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द पॉइंट टेराकोटा आर्मी का। अब चलते हैं बाहर, और आपको अब मज़े की बात बताऊं कि ये जो चिन शी हुआंग इनका एम्परर था, ही इज़ नॉट द वेरी कॉमन काइंड ऑफ एम्परर, ये कोई आम एम्परर नहीं था। यही वो एम्परर है जिसने दीवारें चीन भी बनाने का हुक्म दिया था, और जो दीवारें चीन का स्टार्ट हुआ था वो भी इसी के कहने के ऊपर हुआ था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन कोई 1,000 साल तक ये दीवारें चीन बनती ही रही थी डिफरेंट रीजन्स के अंदर, लेकिन जो उसका स्टार्ट था वो दीवारें चीन का इसी एम्परर के पीरियड के अंदर हुआ था और इसी के हुक्म के ऊपर हुआ था। और नॉट ओनली दिस, इसने जो चाइना की आजकल की जो इनकी मेन ट्रेडिशनल चाइनीज़ लैंग्वेज है, इसका स्क्रिप्ट भी जो फाइनल किया था वो इसी एम्परर ने किया था आज से 2000 साल पहले। और जो क्योंकि पहले हुआ ये करता था कि डिफरेंट किस्म की चाइनीज़ लैंग्वेज के रिटर्न के जो स्क्रिप्चर हुआ करते थे डिफरेंट हुआ करते थे, इसने फिर एक कॉमन इकट्ठा किया लोगों को, और फिर एक जो आज आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नज़र आती है जो भी हमें समझ तो नहीं आती, वो इसी एम्परर ने बनाई थी। तो ये था यार इसकी टेराकोटा आर्मी, जो उसने अपनी मरने के बाद भी जो उसकी अपनी ज़िंदगी है उसके लिए इसने बनाया। एक चीज़ आपने अब्दुल रहमान नोट किया कि
अगर इस बेचारे के पास थोड़ा सा तौहीद या थोड़ा सा ईमान पहुंचा होता, इतने लोगों की जान भी बच जाती जिन्होंने ये 7 लाख आर्मी ने ये बनाया। इसकी अगर कोई जो बाद की ज़िंदगी के आखिरत की ज़िंदगी की अगर इस बेचारे के कंसेप्ट क्लियर होते तो ना ये इतनी बड़ी आर्मी क्रिएट करता, ना 7-8 लाख मजदूर लगाता, ना मजदूरों की इतनी बनाते हुए डेथें होती, और अभी भी बेचारा सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि आखिर इसके बाद तो ज़िंदगी यहाँ पे तो थी नहीं। खैर, उसकी ज़िंदगी में अभी क्या हो रहा होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं। आई होप आपको यहाँ का अभी तक व्लॉग पसंद आया होगा, और ये जगह भी जो हमने आपको दिखाई है इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। हम अब बाहर की तरफ चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और बाहर भी इनका जो एग्ज़िट है वो भी देखने से लायक रखता है। हम उस तरफ जाते हैं। गर्मी शदीद है, प्यास हमें लग रही है, क्या सीन है यार कुछ खाने पीने का? बबल टी होनी चाहिए है। दुनिया यार आप यहाँ पे चेक करें, स्कूल्स के ट्रिप्स आए हुए हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज मिल के आपस में आई हुई हैं, जितने भी हम देखते हो 10-10 लोग 15-15 लोगों के ग्रुप्स आए हुए हैं, और ये म्यूज़ियम से कुछ लोग बाहर आके बैठ के फिर इधर अब खाने वगैरह खा रहे हैं। शियान के खाने भी बहुत फेमस हैं, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम फूड्स ही ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आता है काफ़ी चीज़ों के अंदर, क्योंकि इधर एक बहुत बड़ी मुस्लिम फूड स्ट्रीट भी है। और पीछे वो क्या कमाल का सीन लगता है कि पीछे पूरे पहाड़ हैं, और इस पहाड़ पे इस जो एम्परर था चाइना का पहला, उसने अपनी यहाँ पे पूरी फौज तैयार की थी। यार दुर्बान खानों की खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है ना इस वक्त यहाँ पे लिटरली, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते अभी फ़िलहाल। खानों का हमें कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह के हैं यहाँ पे। हलाल राम वाला सीन थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए नहीं मसला होता, उन कुछ लोगों को मेरी इस बात से भी बड़ा मसला होता है कि यार आप हलाल राम की टेंशन क्यों लेते हैं या इसका जिक्र भी क्यों करते हैं। तो भाई आप जिस बंदे का चैनल देख रहे हैं वो मुस्लिम है, और हमारे मज़हब में हलाल राम का मसला होता है, और हम खाते हैं खाना इस चीज़ को देखते हुए। क्या रश है। अच्छा एक चीज़ नोट किया है आपने, चाइना में मैंने देखा है 80% लोग वाइट शर्ट्स पहनते हैं। देखा है, खाना पीना तो बाद में पसंद आएगा, लेकिन हम पहले ले रहे हैं बबल टी। ये आ गए हैं हम इनके बहुत ही फेमस बेल टावर पगोडा पे। सामने अगर आप देखें तो ये बेल टावर होटल है, और इसके सामने ये सेंटर पे एक चौक बना हुआ है जहाँ पे बेल टावर पगोडा है। यहाँ पे चाइनीज़ अपने जो बड़े ही ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो लोग पहन कर यहाँ पे आते हैं और फ़ोटोशूट कराते हैं। जितने भी आप ये देखेंगे छोटी बच्चियाँ अपनी ट्रेडिशनल लिबास के अंदर पूरा मेकअप शेकअप और कपड़े और बालों के ऊपर और पता नहीं गालों के ऊपर क्या क्या चीज़ें लगा कर आते हैं। अच्छा यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स गार्ड खड़ी हैं, और ये बेल टावर के पास ये रेस लगाने के लिए तैयार हैं, और ये देखें सारे लोग इधर खड़े हैं इनकी रेस देखने के लिए। यहाँ पर हर बंदा बड़ा एक्साइटेड है कि कौन सी गाड़ी बाहर निकलती है यहाँ से। तो हम लोग इस वक्त शियान के मुस्लिम क्वार्टर एरिया के अंदर आए हैं। ये जगह मुस्लिम क्वार्टर के नाम से मशहूर है, और जितना भी हलाल फूड है सारा यहाँ पे इस जगह में मिलता है। जितने भी आप शॉप्स देखेंगे यहाँ पे आपको स्काफ वाली फीमेल चाइनीज़ ही नज़र आएंगी, और उनके साथ उनके बच्चे जो मेल हैं वो वही ताजकी काश्तकारी टोपी के स्टाइल के अंदर नज़र आएंगे। और भूख भी हमें बहुत शदीद लगी हुई है, तो उसी तरह करेंगे हम, छोटी 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 चीज़ें कुछ ट्राई करेंगे और कुछ साथ साथ अपने लिए पैक भी करवाएंगे। अच्छा यार नेक्स्ट जिस जगह पे अभी मैं आगे लेके जा रहा हूँ, इधर जो है ना बहुत ऊंचा डेक लगाया हुआ है, तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा डेक से दूर दूर रहें और आपको चीज़ें दिखाएं कि क्या क्या है। भूख बहुत शदीद लग रही है यार। ओ हो, ये वही डिफरेंट टाइप की नूडल्स हैं, ये हम अभी खाएँगे। और ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है यार, ये क्या बना रही हैं देखिए आंटी, ये कुछ ब्राउन ब्राउन कलर की है और इसके इधर धुएँ निकल रहे हैं, और ये कुछ क्रश्ड तिल हैं डिफरेंट किस्म के ये नूडल्स। अच्छा यहाँ से ये गोल गोल पकड़ते हैं और उस नूडल्स को टक 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 करके इसमें कन्वर्ट करके ये देखें ये इन्होंने रख दिया, ये उठाया एक बड़ा रोल और ये जाकर ये नूडल्स बन गई, और ये एक प्याले में डाला और ये हो गया प्याला रेडी। इसके अंदर वो देखें 7
खीरा क्रश कर रहे हैं और कुछ ब्रेड के पीसेस डाले और ये हो गया रेडी। और मज़े की चीज़ मैं आपको ये दिखाऊंगा, काश्मीर की मेरी एपिसोड में आप देख चुके हैं कि मुझे जो कीमा वाली टिक्की बहुत पसंद आई थी ये यहाँ पे मिल रही है। और इसकी लाइन ज़रा मैं आपको दिखाऊं, ये देखें चीनियों को कितनी पसंद है, ये लाइन चल रही है यहाँ पे, बस आप समझ जाएंगे ये टिक्की कितनी कमाल है और कितनी क्रिस्पी है और सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे बनाते हैं यार ये लोग, लंबा पेड़ा उसको फैला दिया इसको यहाँ तक, ये हरा प्याज पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ मसाले, यहाँ पे ऑयल और वहाँ गोश्त। देखें यार क्या गर्मा गर्म क्रिस्प है। और ये क्रिस्प पता है क्यों आता है? बेसिकली ये देखें, ये इनका ये ढक्कन है और जब ढक्कन उसके ऊपर बंद होता है वो हीट वाला जब इसके टॉप पे लगता है ना वो क्रिस्पी चीज़ बनाता है। ओ माई गॉड, ओ हो, ये छोटी वाली 5 की और बड़ी वाली 10 की है। लेकिन जी वंस अगेन आपको चुराने के लिए मैं ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की खाने लगा हूँ। हम चलें टिक्की खाते खाते या वॉक कर रहे हैं साथ साथ, और आप रश देखेंगे कितना लोग पसंद करते हैं यार यहाँ पे मुस्लिम फूड। और ये जो मुस्लिम फूड स्ट्रीट है शियान के अंदर, जोक दर जोक लोग ग्रो के अंदर लोग आ रहे हैं। अच्छा इधर आके मुझे ये हॉर्न नज़र आया बहुत ज़्यादा इस शहर में आके, ये देखें बहुत ज़्यादा मैं हॉर्न सुन रहा हूँ जब से इस शहर के अंदर आया हूँ। ये पुरानी गलियाँ शायद, ये देखें छोटे छोटे स्कूटर हैं, बाबा जी आते हैं और रश भी क्योंकि बहुत ज़्यादा है शायद इसलिए। ये स्ट्रीट देखें आप, ऐसे लग रहा है जैसे कि लोगों का समुंदर आ गया यहाँ पे, दोनों तरफ शॉप्स ही शॉप्स हैं खाने वाली। ये शियान का बहुत पुराना मुस्लिम क्वार्टर है जहाँ पे मैंने आपको बताया था जब सिल्क रूट हुआ करता था और मुस्लिम अरब्स वगैरह यहाँ पे आके आबाद हुए थे, ये वो एरिया है शियान का। यहाँ पे याशा भाई हमें मिले हैं और ये कुछ पापड़ और कुछ लिमको वगैरह टाइप की बेच रहे हैं। और ये इन्होंने दिखाया कि ये दिस इज़ मॉस्क, बिल्कुल चाइनीज स्टाइल के टेम्पल के स्टाइल के अंदर ही बनी हुई है। अभी ईशा की नमाज़ इधर हो चुकी है तो इसलिए कह रहे हैं अभी इसके दरवाजे बंद हो गए हैं, अदरवाइज़ मैं आपको अंदर से मस्जिद भी दिखाता। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें यार यहाँ पे बनी हुई हैं, मसाले इन सब लोगों के बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अब्दुलरहमान ऑक्टोपस भी मिल रहा है यार बारबेक्यू, ट्राई किया जाए करते हैं ट्राई। ये कुछ फ्राइड फिश है, ये आई थिंक ये भी कोई फ़िश मटेरियल है, ये भी कुछ फ़िश मटेरियल है, डिफरेंट इनके रेट्स हैं, 5 युआन, 10 युआन, 12 युआन। इज दिस फिश, फिश हाउ मच युआन? 5 युआन। इसने कुछ ब्लैक ब्लैक लगाया है और साथ ये नीचे से इसको किया है चावल का मुझे कुछ लग रहा है। ओके बस यही है, तो बड़ा सूखा सा है, बन है। चावल ही हैं बेक हुए हमें, एक तरफ उसने यहाँ पे नट्स लगाए हैं हमारे, दूसरी तरफ कोई सॉस लगाई है मीठी मीठी सी और साथ उसने क्रश चीनी लगाई है। ये देखें जी यहाँ पे मुर्गी के पंजे बेचे जाते हैं जी, ये मुर्गी के पाँव हैं उसको इन्होंने फ्राइड किया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स की मुर्गियाँ हैं मेरे ख्याल है, उनको डिफरेंट मसाले लगे हुए हैं। ये मुर्गी के पाँव हैं, पंजे हैं उसके सारे, लगा उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसका मांस है और इसके अंदर इन्होंने इसके मसाले लगाए हुए हैं सारे। फ्लेवर्ड पापड़ होंगे वैसे किसी भी, कौन है एक चेक करें। ये इन्होंने जी पापड़ दिया हमें मसाले वाला, चेक कर, ये वही चीज़ है वर्टिकल में कलर्स के साथ जो अभी हमने खाया, चावलों का और सूजी का कुछ मिक्सचर आया सॉफ्ट का।
यार ये जो बंदा खा रहा है ना रोल के अंदर, ये नहीं खाया हमने अभी। ये है ऑक्टोपस की लेग्स, ये ऑक्टोपस की लेग्स है। ये एक और कीमे वाली टिक्कियाँ, कीमे वाली तो नहीं है, ये कुछ फ्रूट ही है, मुझे समझ नहीं आ रही इन्होंने खुबानी का कुछ मिक्सचर डाला हुआ है या नहीं, फ्राई किया हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रही। ऊपर से लाइट भी बहुत फ्लिकर कर रही है यहाँ पर। ये तो मुझे लग रहा है खलीफे की खताइयाँ आ गई हैं। हेलो, ऐसे करो। ये इन्होंने कुछ मेवे की स्वीट्स बनाई हुई है यार, बहुत लंबी स्ट्रीट है। ऑलमोस्ट मैं अभी आपको बता रहा था कि हम चलते चलते 1 किलोमीटर हो गया, हम चलते हुए आते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा रश है यार, बहुत ही मज़ेदार स्ट्रीट है। चीज़ें हम थोड़ा सा हजम कर रहे हैं, टिक्की खा ली है हमने ज़रा हैवी, तो अभी 2-3 चीज़ें हम इनकी और ट्राई करेंगे साथ साथ। दिल तो मेरा कर रहा है कि ये ऑक्टोपस की जो लेग्स हैं ये ट्राई की जाए। तो अब हम एक कम्बिनेशन बना रहे हैं, अनार का एक फ्रेश जूस भी है भैया मैंने निकाल के देगा, ये देखें, और इसके साथ हम खाएँगे अब्दुलरहमान क्या ऑक्टोपस आए ऑक्टोपस खाएँगे यार। ऑलराइट ऑलराइट जी, तो ये हमने ऑर्डर कर दिया है ऑक्टोपस लेग्स। ये देखें यार, ये पहली दफ़ा हम खाने लगे, आई होप हम पे फतवे नहीं लगेंगे इस वीडियो के बाद। ओके बनाओ बनाओ, देखते हैं क्या। बहुत ज़ोर ज़ोर से फ्रेश कर रहा है, ये थोड़े कट्स लगा रहा था। वैसे मैंने थाईलैंड गया हूँ लेकिन थाईलैंड कभी खाया नहीं है मैंने। और ये भी एक, ये छोटा ऑक्टोपस है जो वाइट वाला है, ये छोटा ऑक्टोपस है इसकी, ये देखें छोटी छोटी सी टांगे है। और ये बड़ा आई थिंक स्क्विड है, ये बड़ा वाला ऑक्टोपस मुझे लगता है, बहुत बड़ा। लो जी अब मसाले लगे हैं, ये खट्टी खट्टी सॉस इसमें लगाई है ब्राउन, इसमें ऑस्टर वस्टर, ये इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद हर्ब डाले हैं इसने ग्रीन ग्रीन, और ये डाल दिए इसने तिलों की बारिश। ओहो हो बहुत टांगे उस बेचारे की सुखड़ गई हैं, तिल बहुत ज़्यादा इसने खुले दिल के साथ डाला है। ये दे दिए उसने ऑक्टोपस की बड़ी लेग, और ये हमारा हो गया रेडी। ओ माय गॉड, चेक इट आउट, हाँ जी क्या चीज़ है, कौन सा कौन सा रबड़ी रबड़ी यार, ये टांग खाता हूँ। आपके पास भी टांग है, आजा आजा तो भी ये कुक है हमारा, इसे बना के दिया है। बहुत मजेदार है यार, वाह यार मसाले कमाल है, मैं खत्म है। अभी टेस्ट जो है वो प्रॉन्स टाइप का ही है, ऊपर से जो है मसाले डालते हैं। तो ये मिला है हमें 20 युआन पाकिस्तानी, 1000 रुपीज़ पाकिस्तानी, 1000 रुपीज़ की ये पूरी स्टिक थी। ये सेम यहाँ पे पाई मिल रहे हैं बकरे के, और इधर लोग रुखा खाते हैं जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड के अंदर दिखाया था काशकर में उसी तरह। और ये देखें यार ये रोल्स, ओहो हो 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 ओ माई गॉड, ओह बहुत गर्म। इसके अंदर इन्होंने ये सारा गोश्त का ही कुछ मिक्सचर है वो फिल किया हुआ, और ये बेक्ड शवारमा टाइप आप समझ लें बना रहे हैं, मैदे के अंदर इसको इन्होंने रोल किया हुआ है। ये क्या नज़र आया यार दूर से मुझे, ये काले अंडे,
ये काले अंडे कहाँ से आ गए हैं, ये किस मुर्गी के अंडे हैं यार, ये काली मुर्गी आजता इस तरह अंडा ही काला हो गया। या वाई नॉट तस्वीर लेना, इनको बड़ा मजा आता है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। एक और चीज़ बारबेक्यू नज़र होती हमें नज़र आई है होती हुई, अब्दुलरहमान तो कह रहा है कि ये तोता है, लेकिन लग नहीं रहा यार ये तोता, वरना उसके पर भी होते। पता नहीं ये भाई साहब बारबेक्यू कर रहे हैं, हमने इनसे पूछा तो है कि क्या चीज़ बना रहे हैं, लेकिन स्माइल कर देते हैं। कोई पता नहीं लेग पीस है या किसी परिंदे का कोई पर है, देखने में तो बड़ा मज़ेदार लग रहा है। ये समझ नहीं आ सका हमें कि यार ये काला क्या बेच रहे हैं, कार्बन कोयला ये है यार, ये मैं ढूँढ रहा था कब से, ये ट्राई करते हैं। देखने में शॉर्मा टाइप ब्रेड है और इसके अंदर ये गोश्त करते हैं और ये इसमें गोश्त पक रहा है, और यार ये तो कोई मसाले के बगैर ही लग रहा है, उबला हुआ गोश्त है और ये इसने अंदर डाल दिया। ब्रेड ठंडी है, इसको गर्म करेगा नहीं करेगा, दैट्स इट। नहीं यार देखने में तो इतना अच्छा नहीं लगा, देखने में तो मसाले मसाले मुझे कुछ नज़र नहीं आए, सिर्फ ये देखें ये मीट है, रेड मीट है फुल, और ये बहुत मोटी है, रेड है। लेट मी ट्राई दिस। हलवा यार, टेंडर मीट है यार, क्या टेंडर मीट है। देखें यार ये ऐसे बैठ के खा रहे हैं सारे, सर्व होता जा रहा है खाना शाना, पीछे जितने भी स्टॉल्स हैं वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, और जितने भी ये चाइनीज़ हैं यहाँ पे, कुछ मुस्लिम्स भी हैं, कुछ मेनलैंड चाइना के भी हैं काफ़ी लोग जो लोकल हैं शियान के, लेकिन स्ट्रीट जो है वो ज़्यादा फेमस है मुस्लिम फूड के नाम से, तो सब लोग यहाँ पर आते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर ये लंबी पूरी फूड स्ट्रीट है, और क्या गज़ब गज़ब की चीज़ें यार। कोशिश तो हमने किया जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं वो खाएँ, आपको भी ज़रा खा के उसका टेस्ट करवाएँ, लेकिन हम सब कुछ तो नहीं खा सके। होपफुली हमें अगले शहरों के अंदर मज़ीद चीज़ें मिलेंगी तो फिर आपको दिखाऊंगा। ऑल राइट जी, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग। आई होप आपको मज़ा आया होगा, मुझे तो खाने का भी बहुत मज़ा आया, इधर वॉक करने के बहुत मज़ा आया। कोशिश मैंने यही की है कि आपको सारी ये जितनी भी मुस्लिम फूड स्ट्रीट है शान की वो आपको दिखा सकूँ, और यहाँ के खाने शाने दिखा सकूँ, और जितने भी यहाँ पे लोग चल फिर रहे हैं और जो खाने शाने खा रहे हैं वो आपको दिखाऊं। बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही यूनिक, कुछ काश्मीर का टच है और कुछ इनका जो सेंट्रल मेनलैंड चाइना है उसका कुछ यहाँ पे टच आ जाता है, तो बहुत ही मज़ेदार खाने शाने यार यहाँ पे मिलते हैं। तो चलते हैं जनाब, और मिलता हूँ आपसे फिर किसी चाइना की नई एपिसोड के अंदर। देखते रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा।